तो आज की हमारी इस क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर बीआई। तो कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन क्लास दिया था कि किस तरह से पावर बीआई वगैरह क्या है, कैसे क्या होता है, सेटअप क्या होता है, कैसे ये लॉगिन वगैरह करते हैं। और आई थिंक एकता जी इतना आपको पता होगा कि कैसे पावर बीआई इंस्टॉल करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं वगैरह वगैरह जी। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि पावर बीआई के पास अपना कोई डेटा नहीं होता। ये एक्सेल फाइल की तरह नहीं होता है कि डबल क्लिक किया ओपन कर दिया। इसमें हम किसी अलग डेटा सोर्स से डेटा को इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर एनालिसिस को तैयार करके रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में या फिर शेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ गेट डेटा आ रहा है, यहां से भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसको कैंसिल, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं और मैं यहाँ गेट डेटा पे यहाँ आ रहा हूं। तो गेट डेटा में डिफॉल्ट जो है कुछ जो मोस्टली आप यूज करते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा, बट मोर पे जाएंगे तो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आपको टाइप ऑफ डेटा इंपोर्ट का देगा। तो ये ऑल को छोड़ते हैं, सबसे पहले आप बात करते हैं फाइल्स की, क्योंकि कोई पर्टिकुलर फाइल जो होता है उससे आप कैसे इसको इंपोर्ट करोगे। सबसे पहले हम एक्सेल के साथ करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं और कनेक्ट पे जाते हैं, और यहाँ कनेक्ट पे आने के बाद यहाँ हम एक डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो डेटा आपके लिए हैश टेबल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ मेरा डेटा पड़ा है। और इसको हमने इंपोर्ट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये जो इंपोर्ट हम जो एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते थे सेम उसी तरह की इंपोर्ट यहां भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आ जाते हैं। जिस टेबल का डेटा आपको लेना है उस टेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट यहाँ पे देखिए क्या है कि मेरा डेटा जो है स्टार्टिंग से नहीं है। तो ये चीज बताने का पर्पस यही था कि अगर आप किसी डेटा को स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि डेटा स्टार्टिंग से होना चाहिए, राइट। तो ये और दूसरी चीज़ है कि अगर आपका डेटा स्टार्टिंग से भी नहीं, जैसे मान लीजिए डेटा पे देखिए, तो मेरा डेटा स्टार्टिंग से नहीं है, यहाँ से है बट एक टेबल फॉर्मेट में है, तो इसके टेबल अलग से यहाँ पे शो हो गए, राइट। तो अगर स्टार्टिंग से डेटा आपके पास नहीं है तो उसको टेबल फॉर्मेट में आप शो करवा सकते हैं, तो टेबल फॉर्मेट में आपका शो हो जाए। और यहाँ पर पहले प्रीव्यू को देख लें कि आपका जो जिस डेटा को आप करना चाहते हैं वो सही है, उसके बाद आप लोड पे क्लिक करें। अब लोड ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है, हाँ लोड के बाद हम ट्रांसफॉर्म डेटा की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो होता है डेटा क्यूरी, एमएस क्यूरी बोलते हैं इसको, उसमें डेटा यहाँ खोल देता है। जैसे कोई कॉलम इंसर्ट करना है, किसी तरह की फिल्ट्रेशन करनी है, या किसी तरह का कुछ इसमें चेंजिंग करना है, रिलेशनशिप करना है, तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि डेटा को इंपोर्ट करने से पहले थोड़ी सी एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्यूरी एडिटर में करते हैं, पावर क्यूरी में करते हैं। तो पावर क्यूरी के बारे में हम आपको आगे क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। अब इसको हमने लोड कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेता है। आपका पीसी कितना क्यों ना, फिर भी ये टाइम लेगा ही लेगा। यहाँ पे देखिए फील्ड्स आ गए, मतलब कि यहाँ टेबल तीन व्यू होते हैं, पहला होता है रिपोर्ट व्यू, दूसरा होता है टेबल व्यू, डेटा व्यू, तीसरा होता है आपका मॉडल व्यू। तो रिपोर्ट व्यू में अपनी रिपोर्ट और विजुलाइजेशन तैयार करते हैं, और यहाँ डेटा व्यू में हमारा डेटा यहाँ पे आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पे डेटा के अंदर मान लीजिए कि कोई डेटा को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नई फील्ड ऐड करिए, कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। कोई टाइप चेंज करना है डेटा का तो डेटा का टाइप चेंज कर सकते हैं। टाइप से मतलब क्या है, जैसे कि आप देखिए अमाउंट है, इसके आगे सम ऑफ का साइन है, मतलब कि नंबर्स है, सिस्टम ने इसको नंबर डिटेक्ट कर लिया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह सही तरीके से डिटेक्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए साइट यहाँ पे आपका स्टेट है, राइट,
तो स्टेट को इसने सिटी एज ए क्या बोलते हैं उसको टैक्स एवी सिटी टैक्स डिडक्ट कर लिया, बट ये लोकेशन डेटा है, मतलब कि एक सिटी का डेटा है, लोकेशन है, तो मैप में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप मॉडलिंग पे जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं डेटा कैटेगरी। तो डेटा कैटेगरी में जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, ऐसे मेरी सिस्टम 4 दिन से शट डाउन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जब भी शट डाउन करता हूँ तो ये क्या करता है अपडेट ले लेता है, तो अपडेटिंग में टाइम लगता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे स्टेट है, सिटी है, कंडीशन है, लैंगिटोड है, पोस्टल है, यहाँ पे हमने दे दिया स्टेट कि एक स्टेट है, तो ये स्टेट हो गया। और इस तरह के सैंपल हमने स्टेट क्यों किया, ताकि जब हम मैप चार्ट को यूज करें, यहाँ पे हमारे पास मैप चार्ट होते हैं, मैप चार्ट यूज करें तो मैप चार्ट में ये ऑटोमेटिकली जब स्टेट को रखें तो ये रीड कर ले कि हाँ ये स्टेट है, या फिर जब भी मैं इस पर क्लिक करके मैप चार्ट अप्लाई करूँ तो वो समझ जाए कि ये स्टेट है। मुझे क्लियर है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो डेटा की टाइप्स विजुलाइजेशन में जैसा आप दिखाना चाहते हैं उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होगी क्या हम एक से ज्यादा डेटा यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये तो चलो एक सिस्टम का डेटा है, क्या और भी डेटा ले सकते हैं? जी हाँ जरूर ले सकते हैं। कैसे बताता हूँ, चलिए तो मैं वापस होम पे आता हूँ और यहाँ आपके सामने आता है डेटा और मैं मोड पे चला जाता हूँ। तो अब मैं फाइल से मतलब कि फाइल में ही किसी और से लेना चाहता हूँ, मतलब कि फाइल में हमने एक्सेल करना सीख लिया, अब मैं नोट पैड से कर रहा हूँ कि नोट पैड से डेटा को कैसे ली जाएगी। तो नोट पैड में अब जैसे कि जब भी हम नोट पैड यूज करते हैं तो कई सारे नोट आपके डेटा हो सकते हैं। हाँ जैसे कि डेटा है, इसको ले लिया एंड ओपन किया, तो ये डेटा को रीड करेगा और रीड करने के बाद आपको एक फॉर्मेट देगा। अब इसमें देखिए कि जब भी आप नोट पैड के डेटा को इंपोर्ट नॉर्मल एक्सेल ही करते थे तो आपको यहाँ पे सेपरेटर देना होता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में क्या सेपरेटेड है, मतलब कि करेक्टर के बाद वो जो है कॉलम को चेंज कर दे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट उसने टैब को आइडेंटिफाई कर लिया है, अगर मान लीजिए टैब नहीं है, कॉमा है, स्पेस है, तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। और फिर इसको आप लोड कर दीजिए, लोड हो जाएगा। लेकिन अभी जरूरी है कि हर नोट पैड का डेटा रीड कर लिया जाए, समझे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और डेटा यहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, मनीष दुबे जी समझ में आ रही ना आपको? सर बिल्कुल सर, मैं बस म्यूट कर रखा था। चुप चुप थे, क्या हुआ? क्योंकि डिस्टर्बेंस ना होना इसलिए मैंने म्यूट कर रखा था, कोई क्वेश्चन होगा तो। नहीं सर, वो याद आ गई ना, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो बच्चा को कुछ नहीं समझ नहीं आता था वो चुपचाप बैठता था, मुझे लगा नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ समझ नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फ्लॉग करके फाइल है, नोट पैड की फाइल है, और इसमें काफी ज्यादा डेटा है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ देखिए एक टैब के साथ आपस में सेग्रीगेट हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेग्रीगेट हो ही जाए। तो आप अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ग्लोबल आईडी है तो इसमें आप चाहते हैं डैश से अलग हो, या यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ जैसे कि कॉलन हो गया, इक्वल साइन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, स्पेस हो गया, टैब हो गया, कस्टम यहाँ पे है तो यहाँ पे आप अपना कस्टम यहाँ पे दे सकते हैं कि मुझे इससे अलग करना है। मैं टैब से लूंगा और इसको आप आसानी से लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसका यूज करके हम आगे कॉलम ऐड करके अपना हिसाब से डेटा को सेग्रीगेट कर लेंगे। ओके, अब इसमें आगे जो आपका देख रहे हैं जेसन फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, तो जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो जेसन फाइल होती है, आपका एक्सएमएल फाइल होती है। तो मेरे सिस्टम में तो ऐसी फाइलें नहीं है, वरना आपको ऐड करके दिखा देता, बट ऐड करना भी सिंपल है, आप ट्राई कर लीजिएगा।
आप लोगों की जरूरत पड़ती है जेसन फाइल एंड एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, आपके पास फाइल आती है इसकी? मोस्टली सीएसवी और एक्सेल के साथ हाँ, काम होता है मेरा हाँ, तो। एक्सेल और सीएसवी तो है, एक्सएमएल जेसन फाइल पीडीएफ है, बट पीडीएफ पीडीएफ के साथ मैंने काम नहीं किया सर। पीडीएफ में क्या होता है कि पीडीएफ हो तो जाता है लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम होती है, क्या बताता हूँ आप, एक मिनट मैं एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ, या फिर मेरे पास पीडीएफ है देखो एक बार। जब पीडीएफ को मैं लोड करूंगा तो पीडीएफ के जितने पेजेस होंगे ना उतने डेटा शीट यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। ओके एक छोटी सी दिक्कत है, तो हम उसको ट्रांसपोज में जाते हैं, सिक्वल क्यूरी लगाते हैं तो इंपोर्ट कर लेते हैं, या फिर एक्सेल की सहायता लेते हैं और वहां पे वन बाई वन हम कर लेते हैं। देख रहे हैं? तो ये मुश्किल है ना, तो पीडीएफ पे हम आपको आगे बताएंगे जब आपको पावर क्वेरी समझाएंगे, फिर आपको पीडीएफ बताएंगे कि पीडीएफ एक एक पेज इस तरह से करेंगे तो फायदा नहीं है ना, और एक पेज में सारा डेटा जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो एक पेज में सारा डेटा होना मुश्किल है। ठीक है, अब इसके आधा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फोल्डर। आप फोल्डर को समझ लीजिए, फोल्डर में थोड़ी सी ट्रिक्स भी है। फाइल में अगला आप देखते हैं तो आपके सामने फोल्डर का ऑप्शन आता है। फोल्डर किसी पर्टिकुलर फोल्डर का लिस्ट लेना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक बार लेता हूँ और यहाँ हमने ब्राउज पे गए और डेटा डीटी नहीं है, इसको ओके कर। तो अभी क्या दिखा देगा आपको, लिस्ट दिखा देगा यहाँ पे कि कितने फाइल इसमें हैं उसका पूरा लिस्ट दिखा दिया। अगर मैं इसको लोड पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे वो सारे फाइलों का जैसा लिस्ट था ना उस तरह का लिस्ट आ जाएगा, लेकिन इसका बेनिफिट हमें ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए आपको टेबल, एक मिनट में पावर बी में दिखाता हूँ फिर मैं आपको समझाता भी हूँ एक तरह से। डी टी आ गया, मैं डी टी पे जाता हूँ तो इसमें फाइल के नाम, उसके एक्सटेंशन, डेट क्रिएटेड, मॉडिफाइड डेट, एंटर्ड एंड लोकेशन आ गया। लेकिन मुझे लगता है इसका कोई खास हम लोग का यूज है क्या, आपको यूज है कोई मनीष जी? नहीं। लेकिन इसमें एक तरीका है जिसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि ना कि बार बार एक एक फाइल लिंक करने की बजाय अगर हम किसी फोल्डर को लिंक करें और वहां फाइल्स अपडेट करें और पावर बीआई में रिपोर्ट्स अपने आप रिफ्रेश हो, मतलब कुछ उस टाइप। मैं समझाता हूँ, आपके सामने मेरे पास 6 फाइलें दिख रही है, दिख रही है? अब 6 फाइलों में मेरे पास क्या है, इसमें एक ही डेटा है, मतलब एक ही डेटा मतलब एक तरह का डेटा है। अब मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए 6 फाइल के डेटा को कॉपी करके एक के नीचे एक नीचे एक के नीचे पेश करना पड़ता है, उसको हम लोग डेटा कुलेशन कहते हैं, कंपाइलेशन कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग बोलते होंगे। मैं तो खासकर सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ तो थोड़ी सी इंग्लिश हमारी हाँ टाइट होती है। हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हैं सर। नहीं, मेरा भतीजा पढ़ रहा है स्कूल में तो अपनी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम लेके आती है, बाद में तो बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि हम लोग तो परिधि और क्या बोलते हैं क्षेत्रफल ये सब चीज़ पढ़े थे ना, अब स्क्वायर आ गया, एरिया स्क्वायर आ गया, सर्कल स्क्वायर आ गया, तो मैंने बोला कि कुछ होगा, जब मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गूगल ट्रांसलेटर पे जाके तब पता चला वो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब तो हम लोग बचपन में यूज करते थे। तो अब जो है कि करीब 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ उसको, तो अब दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया क्या होता है। ओके तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, राइट। हालांकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई है क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से क्लासेस इंग्लिश में भी दे रहा हूँ, आपने देखी होगी यूट्यूब पे मेरी वीडियोस, मनीष जी देखी आपने? बिल्कुल, 5 बजे क्लासेस में इंग्लिश में ले रहा हूँ। हाँ, मैं गलत गलत बोल देता हूँ लेकिन क्या इंग्लिश हिंदी में हैबिट है और इंग्लिश अचानक, क्योंकि
अगर हिंदी की 10 क्लास लेता हूँ तो इंग्लिश की 1 क्लास लेता हूँ, तो 10-1 करेगा। सर लैंग्वेज में कभी भी कोई चीज़ सही गलत नहीं होता, बस अगर हम अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सामने को, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो क्योंकि आपके सामने डेटा दिख रहा है ना, इसी तरह का डेटा हर फाइल में डाला है, तो मुझे सारे सारे फाइल को डेटा एक के नीचे कुलेट करना है। तो अगर मैं ये मैनुअली करूँ तो दिक्कत होगा, बट पावर बीआई में क्या ऐसा ऑप्शन है? पावर बीआई छोड़िए, एक्सेल में ही ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि जो पावर बीआई की यूज कर रहे हैं ना आप गेट डेटा, ये सेम फीचर आपके एक्सेल में भी है, ठीक है? तो अब मैं यहां पे दिखाता हूं कि कैसे हम करेंगे डेटा कुलेशन। तो फाइल पे जाते हैं, फोल्डर को सिलेक्ट किया एंड ओके किया। और ब्राउज पे गए और हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, डीटी फोल्डर है एंड हमने ओपन कर लिया। ये सारे फाइलों का लिस्ट दिख गया। अब लोड के बगल में यहां कंबाइन था, तो यहां पे देखिए कंबाइन एंड लोड, एक कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म होता है जो कि आपको पावर क्वेरी पे डाल देगा, तो इसका यूज फिलहाल नहीं करेंगे। हम आते हैं कंबाइन एंड लोड पे। अब यहां पे देखिए जितने भी फाइल है सारे फाइल आएंगे। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कुछ फाइलों में कोई फील्ड ना हो, तो आप ऐसे फाइल को सिलेक्ट करें जिसमें सारे फील्ड हो, ठीक है? अब इसको हम यहां से ओके कर देते हैं। अब यहां पे DT2 आ गया, इस पे आता हूं। ये देखिए आपके सारे फाइलों का डेटा कुलेट करके यहां डाल दिया, ठीक है मनीष जी? बिल्कुल सर, तो बस ये इंश्योर करना है कि सारे कॉलम्स हों, वैसी शीट सिलेक्ट करें। नहीं, कहां कॉलम्स, वैसे डेटा सेम होना चाहिए, अगर कॉलम उल्टा पुल्टा हुआ फिर भी कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, एक बार करके देख लेते हैं। हाँ, कोई बेसिकली मिसिंग है तो दिक्कत। हाँ बोलिए। बेसिकली ये हेल्प करेगा हमको डेटा, मतलब जहाँ पे हम रिफ्रेश करने के उसमें, कि फोल्डर में हम सिर्फ वो डेट वाइज फाइल्स डालते जा रहे हैं नहीं, उसको। अब यहाँ पे ये चीज देखना है ना, क्योंकि इसको मैंने नहीं देखा है, कि अगर मान लीजिए कि मैं फाइल यहाँ अपडेट कर देता हूँ, मैंने फाइल अपडेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या फाइल ऐड करता है या नहीं करता है? रिफ्रेश करना पड़ेगा ना इसे। रिफ्रेश करता हूँ, जितने भी कनेक्शन को रिफ्रेश कर रहे हैं ना। मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ फोल्डर दिया था, हमने फाइल का नेम नहीं दिया था, देख लेते हैं। क्योंकि फोल्डर में कुछ भी होगा वो उसे रिफ्रेश करके डेटा ले आएगा नीचे। हाँ आ गया। एक बेनिफिट है, और ये बेनिफिट आप एक्सेल पे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि पावर बीआई में भी है, एक्सेल में भी ऐसे फीचर है, फीचर्स हैं। अब एक्सेल में मुझे ये नहीं पता कि वो डेटा को इस तरह से अपडेट करेगा या नहीं करेगा, बट हाँ क्योंकि सिंपल लॉजिक है, क्योंकि हमने फोल्डर का लिंक दिया है, हमने फाइल नहीं डिफाइन की है उसके अंदर, तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स आएंगी वो सबको अपेंड करके एक के नीचे एक दे देगा वो। ठीक है, तो ये फोल्डर समझ में आ गया आपको? आई थिंक ये फीचर आपके लिए हेल्पफुल भी है। बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग 2-3 साल पुराने डेटा पे काम कर रहे हैं, तो 2 साल पीछे का डेटा निकाल दिया, इसके बाद हर अगर मुझे वीकली अपडेट करना है तो उसके आगे का डेटा मेरे को वीकली फाइल बना के मैं फोल्डर में डालता जाऊंगा और वो जी फिर हाँ, ऑटोमेटिकली उसके अपेंड होता जाएगा सेम जी फॉर्मेट हाँ, में। जी हाँ। तो ये बाकी सेल्फ पॉइंट फोल्डर है, आप फिर फोल्डर के पास दे दीजिए, वहां से आपको आ जाएगा। इसमें कोई खास है, मेरे पास है भी नहीं तो मैं आपको बताऊं कि कितने सेल्फ पॉइंट। सर मेरे पास आईडी है, ये मुझे चाहिए। मैं अगर आप क्या एक्सेस दे सकता हूँ यहाँ पे आपको, आपका बट ये आप सेशन रिकॉर्ड हो रही है सर, तो आपकी ओके। हाँ डेटा है वो थोड़ा सा, आप वो ट्राई हम फिर करके खुद, सेपरेटली सेपरेटली देख लेंगे। हाँ कोई क्वेरी हाँ आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई एरर आएगा तो हम रिसर्च कर लेंगे। क्यों बेसिकली हम सारा काम ही नोकिया के अंदर सारा शेयर पॉइंट के ऊपर ही होता है, सारी फाइल्स वगैरह हम वहीं अपलोड करते हैं, तो मुझे ये चीज देखना है कि मैं अगर वहां से हाँ डेटा उठा सकता हूँ कि कोई और किसी और लोकेशन पे बैठ के काम कर दे और वो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ मेरा पावर बीआई की रिपोर्ट अपडेट होती रहे। ठीक है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा।
क्योंकि अब एज अदरवाइज मेरे लैपटॉप पे डिपेंडेंट हो जाएगा अगर मेरे लैपटॉप में फाइल्स हैं, लेकिन अगर अच्छा वो एक काम और करते हैं, जैसे कि हमें किया है शेयर पॉइंट से इट वर्क्स। वर्क करता है ना? हाँ, वन ड्राइव में आप कोई भी फोल्डर सेव कर रहे हो, इट टेक्स अपडेशन, पूरा रिफ्रेश होता है ऑटोमेटिकली। हाँ, ठीक, और उसको उसको अगर हम किसी और को भी एक्सेस देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे बिहाफ पे मैं बोलूँ किसी और को भी करना है डेटा वहाँ पे डालना है, तो वो किसी भी लोकेशन में बैठ के अगर डेटा वहाँ अपडेट करेगा वो तो तो वो क्लाउड में आ गया ना, ऑटोमेटिकली, तो क्लाउड में। हाँ क्लाउड हाँ वही शेयर पॉइंट वो जो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी आ गई आपकी। नहीं, मैं बता रहा था वन शेयर पॉइंट अलग होता है, वन ड्राइव अलग होता है। हाँ, वन ड्राइव अलग है, शेयर पॉइंट तो अलग है। हाँ, शेयर पॉइंट को वन ड्राइव है, यहाँ फोल्डर में डाल दीजिएगा तो वर्क करेगा आपका, समझे? एक बार सर आपके पास अपनी वन ड्राइव से उठा के देखिए, क्योंकि ये उसमें भी तो हमारा है ना कि पासवर्ड ये वाला जो प्रॉब्लम डेटा होता है हमारा, ये जो डेटा है वन ड्राइव पे है, तो मैंने इसको कॉपी पास्ट टू क्लिपबोर्ड किया और मैं गया पावर बी आई पे। क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम होगा। एक बार देख लेते हैं। तो मेन वही है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता नहीं है तो शेयर पावर पॉइंट। इसमें इसमें तो पासवर्ड डालने का ऑप्शन देता है, यहाँ पे एक एरर दे दिया, द फोल्डर मस्ट बी वैलिड। नहीं, सेव ड्राइव नहीं दिया। फोल्डर दे रहे हैं सर, आपने फाइल का नाम भी दे दिया साथ में, फाइल का नाम हटाइए, डेटा डॉट एक्सएलएसएम। इसलिए दिक्कत है। हाँ, नहीं अभी भी, नहीं अभी भी दिक्कत दे रहा, बट एच डी पी लग गया ना, एच डी पी लग गया। एक मैं एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फाइल देते हैं ना, गेट फाइल दिया हमने, यहाँ पे हम पाथ डाल के ओपन करते हैं, हम पिवट टेबल भी करते हैं। हाँ, एक्सेल पे तो ले लेता है क्योंकि एक्सेल में हमारा लॉग इन होता है तो ले लेता है, और भी में देखना है। ऐसे भी आप जैसे कि शेयर पॉइंट लेते हैं, तो जैसे हम लोग फेसबुक से या लिंक्डइन से या गूगल इससे गूगल ड्राइव से गूगल सीट से लेते हैं, तो हमें लॉग इन करने के लिए बोलता है, लॉग इन तो वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा सर। ठीक है, IPTIndia@ सर बहुत दिन बाद इसको लॉगिन करने की जरूरत पड़ती है ना, तो भूल जाते हैं पासवर्ड। इतने पासवर्ड भी हो गए ना लाइफ में, लाइफ ही पासवर्ड वाली हो रखी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो हमने वन ड्राइव डेटा को खा लिया। सिमिलरली वो शेयर पॉइंट का भी सेम वही हाँ होना चाहिए सेम प्रोसेस। सेम, हाँ सेम प्रोसेस होगा, बट शेयर ड्राइव का, इसका वन ड्राइव का फोल्डर उठाने में थोड़ा सा दिक्कत है, फोल्डर नहीं ले पाता, बट फाइल सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत नहीं, 1 to 1 अगर फाइल से कर देंगे तो उस नाम से अपडेट करना होगा। ओके चलिए, लेकिन सेव पॉइंट में फोल्डर दे सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट फोल्डर का पाथ बोल रहा है, नॉट ए फाइल, सेव पॉइंट फोल्डर बोल रहा है। अब इसके आगे में क्या है आप देखिएगा, पता चल जाएगा, या फिर मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा इस पर। ठीक है सर, मैं भी ट्राई कर लूंगा घर पे, क्योंकि हमारे पास तो एक्सेस है ही ना शेयर पॉइंट का, वहां पे कोई हाँ, फाइल हमारे उठा के पिक करके मैं देख अब लूंगा। जैसे कि एक चीज आपने देखा कि यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात और भी है कि आपने यहाँ देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे फाइल्स को यहाँ पे लिया हुआ है, देखा आपने। अब
एक बच्चे का क्वेश्चन यहाँ पे था कि सर मुझे रिपोर्ट अपने बनानी है, तो क्या हम इस अलग अलग फाइलों में जो ले रहे हैं तो क्या इनको आपस में मुझे रिलेट करना पड़ेगा? जी नहीं, रिलेट नहीं करना पड़ेगा। कब? जब मैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने नेम लिया और मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया, राइट? तो हमने यहाँ पे जो इस चार्ट के या ये जिस विजुलाइजेशन कर लीजिए, चार्ट कर लीजिए, टेबल कर लीजिए, से ये डेटा उठाया वो एक ही टेबल से उठाया। अब मुझे दूसरा टेबल मान लीजिए मुझे फॉग से चाहिए, जिसमें मुझे ग्लोबल आईडी का काउंट दिखाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको लिया और ग्लोबल आईडी को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी या ग्लोबल आईडी जो भी कही उसको यहाँ पे रख दिया। अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू में टारगेट वैल्यू इसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट किया हुआ है, इसकी काउंट करना है। ये अकाउंट तो आ गया, मतलब कि एक मिनट उठाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ इसके उठा लेता हूँ। यहाँ से 82 से, और यहाँ से मान लीजिए मैं सितंबर का सेल यहाँ पे ले लिया, तो आ गया। तो इसमें कोई फिर दिक्कत नहीं है। या फिर मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, चलो यहाँ पे हम एक नया रिजर्वेशन लेते हैं और इस विजुलाइजेशन में मैंने नेम डाला और यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई भी डालता हूँ तो मेरा विजुलाइजेशन दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं नेम यहाँ डाल दिया इसमें डीटी का और इसकी क्वांटिटी के लिए हम मान लीजिए किसी और डेटा पे चले गए, यहाँ पे गए चलेगा, तो आपका दिक्कत होगा। आपको यहाँ पे इसने सबको सेम ही काउंट करके दिखा दे रहा है, कोई इसमें फर्क नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत देगा आपको, क्योंकि इनके बीच, इनके और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। तो सबको एक ही दे दिया, 4800, 4800, 4800, सबको एक ही दे दिया, एक ही टोटल करके दे दिया, जैसे कि पिवट में होता है। उसमें हमें रिलेशनशिप इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो कि आगे समझाएंगे आपको। तो जैसे कि आप मैक्सेस हाँ एक्सेस में एक्सेस में, रिलेशनशिप करते जी हैं। हाँ, जैसे आप एक्सेस में रिलेशनशिप करते हैं, राइट? तो इसका इस्तेमाल हम आसानी से अपने लिए कर सकते हैं। तो अभी आपने फाइल से, आज जो आपने सीखा और सीखा कि किसी फाइल से डेटा को कैसे कनेक्ट करेंगे, और उसमें हमने वन ड्राइव के बारे में बताया, फोल्डर्स की भी काउंट करके बताया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। नहीं कल की क्लास में हम आपको डेटाबेस और जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है सर, ओके सर, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। श्योर सर। श्योर सर।